को पावन अपनी हाथी से कृष्णा वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों आओ मिलजुल कर अपने मन को एकाग्र कर ले जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। कल से आपने एक गीता जी के आधार पर भक्ति का विषय जारी करवा रखा है, आपको बहुत अच्छा लगा ये मेरे अहोभाग्य। इतना कह के मुझे खुश न कीजिए बल्कि पूरा प्रसाद कीजिए कि आप लोग इसे अपनाने वाले बन जाए। मेरा यहाँ पर आना महाराज जी की वाणी को लगातार कई वर्षों से सुनाना तभी सफल होगा मेरी देवी मेरे सजनों, जब आप अच्छे जीवन में ढाल दे। आपकी बार मैंने कई बार कहा जरूर यह भगवान से प्रार्थना करते आया करें, यह आपकी भवन की बसों में बैठने से पहले ये जरूर प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं जा रहा हूँ बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपकी अत्यंत कल्याणकारी वाणी को सुनने के लिए, ये मेरे मन में घर कर जाए। से भगवान की वाणी हमारे लिए बड़ी स्ट्राइकिंग और अपीलिंग साबित हो, तभी किसी भी भगवान के प्यारे का ऐसे धर्म स्थान पे बैठना और महाराज की वाणी का प्रचार करना सफल हो जाता है। मेरे मन में ये भगवान ने बड़ी उमंग पैदा की है कि जो मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ वो प्रचार आपके अंदर एक इनकलाब लाए, एक शानदार रेवोल्यूशन आ जाए। आम धर्म स्थानों की तरह नहीं, आए सुना बस चल दिए, नथिंग सॉल्ड, कोई सॉल्ड गेनिंग नहीं होती। मैं खुद बड़ा इनकलाबी हूँ, मैंने कई बार मियां मिठू बन के कहा मैं एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ, चाहता हूँ कि हमारे में इनकलाब आए। नहीं सुनते थे तो कैसे थे, अब भगवान की वाणी के हम प्रेमी बने तो हमारे में एक शानदार इनकलाब आए। मेरा मन कहता है जब कोई व्यक्ति ग्रामीण होता है, हाँ वो रहता है आपके रूरल एरिया में, पढ़ा लिखा नहीं है कि स्कूल का मुंह नहीं देखा, न बोलने का तरीका न पहनने का तरीका, सारे बेतरीके हैं, सब के सब गवार है ना। पर हम लोग जो सिटीजन हैं, हम लोग जो अर्बन एरिया से तलक रखते हैं, शहरी हैं, हमारे कपड़े भी सुंदर, बोलने का ढंग भी आदर मान के साथ, हम शिष्टाचार जानते हैं बिकॉज वी आर ऑल एजुकेटेड एंड कल्चर्ड मैन। मेरी बेटियां सारी मॉडर्न है, बैठने का बोलने का कपड़े पहनने का व्यवहार करने का जल पीने का तरीका आता है, उनको नहीं आता। वो बेचारे क्या है, उनको वो उनके पास शिष्टाचार ही नहीं है, वो जानते नहीं कि इंडियन मैनर्स क्या होते हैं। हाँ कितना अंतर है दोनों में। अवश्य इसी तरह एक भगवान के प्यारे में और एक ऑर्डिनरी और लेमैन में देयर शुड बी मच डिफरेंस। ऐसा मन में आग लगाओ, वो मेरी आने वाली कल्याणकामी देवियों, ऐसे मन में फर्क हो जो नहीं मेरे भगवान की वाणी सुनते और अपना कल्याण नहीं करना चाहते, उनकी आंतरिक अवस्था क्या होती है, बेचैनी बेकरारी हर वक्त एक विशेष प्रकार की टेंशन। और जो मेरे भगवान की वाणी के इतने प्रेमी बनते जा रहे हैं और जिनके अंदर एक विशेष प्रकार की आग लग गई है कि मैंने अपना कल्याण करना है, चलो खाना पीना और विलासिता में रह जाना दिस लाइफ एट ऑल, हमारे अंदर कौन बोलता है ये जो कहता है, फर्क क्या हुआ एक मैन और एनिमल में, नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। हाँ वो भी एनिमल भी यही कहता है खाओ पियो भोगो, और हम भी यही कह रहे खाओ पियो बच्चे बनाए पढ़ाया और वो वेट गॉन। हाय नहीं मेरी बेटियों मेरे सजनों, ओ मेरे धार्मिक कल्याण का भी भाइयों, आप वैलेंटाइन तशरीफ लाती हैं, मैं बार बार कहता रहता हूं हमारे में शानदार इनकलाब आ जाए बुद्धि के इरादे में। यही तो तीन इक्विपमेंट है जो हम लेके आए, बुद्धि मन और तन, बुद्धि का फंक्शन इरादा, इरादे में भक्ति आ जाए, मन में विचार, विचार हाई थिंकिंग भगवान के आ जाए, और ये अंग है जो भगवान ने हमें दस दिए हैं, इनमें कर्म बड़े शुभ होने चाहिए, एस्पिशियस हॉली एक्टिविटीज, एस्पिशियस एंड हॉली एक्टिविटीज।
इससे क्या होता है, अपना भी समाज का भी लाभ, बड़ा भारी लाभ होता है। आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स का, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। हमारे से भले कर्म होंगे हमारा ही भला होगा, हमारे से बुरे कर्म होते तो रिएक्शन रूप में हमारा ही बुरा होता था। फ्रॉम बैड वी अटेन बैडनेस, फ्रॉम गुड वी अटेन गुडनेस, ये प्रकृति का अटल नियम है। वैसे मैंने कई बार प्रकट किए, प्रकृति में कई अटल नियम, ओ मेरी कल्याणकामी जो सदनों काम कर रहे हैं, उन्हें ये एक है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। बड़ा विस्तार किया मेरे प्रभु ने पहले 6 अध्याय में, जिन्हें हम कर्म योग के नाम से पुकारते हुए, हमें बड़ा गौरव है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता जैसी फिलॉसफी है, गीता जैसी साइकोलॉजी है। इसके बिना तो इंसान किसी भी काम का नहीं। अगर जैसे आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि अगर ये विचार नहीं है तो हम इंसान कलाने के भी हक नहीं रखते। इंसान कलाने का तो हक नहीं रखता है, जिसके इरादे में पवित्रता, विचारों में पवित्रता और कर्मों में उच्चता या पवित्रता आ जाए, then we are all worthy to be called as a good man। बस ऐसे घर से सोच के आया करें। हम सब के आपको कोई मजबूर नहीं करता, मजबूर करता 2 दिन आते, 3 दिन आते, इतने वर्षों से आप आ रहे हैं। और यंग मैन जितने भी मैं देखता हूं, बुजुर्ग तो बहुत थोड़े हैं, बुजुर्ग मेरी माताएं बहुत थोड़ी हैं, इतनी मन में आपके उमंग है, जोबन के अंदर जितने यंगस्टर्स हैं मेरे सामने, इतना मन में उमंग है कि हम कुछ करें, इसी में न रह जाए, खाया पी लिया, बच्चे मराए मर गए, नो। तो आइए फिर विचार करें, जीव का कल्याण कैसे होता है। इसलिए हमें भगवान कल्याण कामी कह रहे हैं, जिनके मन में कामना खड़ी होगी कल्याण की। संसारी आदमी के मन में क्या होता है, मैं बहुत पढ़ जाऊं, अच्छा मेरी बड़ी पदवी मिल जाए, अच्छा, वो संसारी रूप में सोचता है, कल्चर में, कामनी में, कीर्ति में, वेलाइमेंट से लस्ट, पैशन, नेम, फेम, मनी, वेल्थ, इसी के चक्कर में रह जाते हैं। और अपनी अनमोल जिंदगी वो तो अनमोल समझते ही नहीं, वो तो समझते हैं कि इसी में मैंने अपने आप को गुजार देना है। दिस इज बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ, बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ, ओ यस, इसी में तबाह कर देती है। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, मैं आपको हार्दिक मुबारक देता रहता हूं कि आप में घोर कलयुग के ग्रस्ती आप भी हैं, लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी भी हैं। इवन देन कितनी शानदार फीलिंग है आपके अंदर, मैं तो क्या, देवी देवता भी अप्रिशिएट करते होंगे कि कितनी अच्छी फीलिंग है कि हम अपना कल्याण करें, और कल्याण भी भगवान के ज्ञान के माध्यम से। मीडियम आपने कौन सा लिया, गीता, और गीता है क्या, हाई थिंकिंग, गीता लो थिंकिंग से हमें बहुत उठा लेती है, बहुत ऊंचा ले जाती है, हमें समझ आ जाती है मुझे क्या करना है, क्या विचार करने हैं, क्या इरादे करने हैं, और किस तरह मुझे अपनी इस लिमिटेड लाइफ के अंदर अपना कल्याण कर जाना है। शाबाश, मैंने कई बार आपको बताया कल्याण करना क्या होता है, नाना प्रकार के दुखों से मैं छूट जाऊं। कल्याण करना क्या होता है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कल्याण करना होता है आवागमन के चक्कर में ना हो, बार बार जन्मना, बार बार मरना। ये जो ट्रांस माइग्रेशन में सोल आती है, जो भगवान जी कह रहे हैं हमारी सोल इस ट्रांस माइग्रेशन में ना आए, हम इसे अपने आप को इंटायरली अभाव पाए। ये कल्याण करना क्या होता है, कल्याण ऐसी शांति मिले जो कभी दुख में न बदले, ऐसा कहता है हमारा हिंदू धर्म, ऐसा कहता है हमारा वैदिक सनातन धर्म। मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों, कितनी दूर से आते हो, ये सोच के आया करो कि ना मैं आप दूरी देखती हैं, ना देरी देखती हैं, बल्कि हाजिर हजूरी को सामने रखते हुए आप तशरीफ लाते हैं, तो कोई ठोस लाभ होना चाहिए। मैं जरूर कहूंगा इस व्यास के लिए बैठा हुआ, हमें बढ़िया पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया ये कहता है कि मैं वो बिजनेस करूं जिससे 2 पैसे का मुझे लाभ हो, हमारे मन में भी ये हो कि हम ऐसे सत्संग में जाएं हमें कुछ लाभ हो। लाभ इन दिस सेंस, इंटरनली, एक्सटर्नली, सोशली, डोमेस्टिकली, फिजिकली और पर्सनली, जितने भी हमारे दिन में क्षेत्र होती हैं, आप जानती हैं हम कहां कहां रहती हैं, कभी व्यक्तिगत रूप में, हाँ, कभी पारिवारिक रूप में, एक ही दिन में हमारा मन कहां कहां रहता है, कभी सामाजिक रूप में, हाँ, और कभी पारमार्थिक रूप में। विशेषकर हमारे 4 फील्ड हैं जहां हम चक्कर काटते रहते हैं, पर्सनली, डोमेस्टिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। इन 4 दायरों के अंदर आप चक्कर काटते रहते हैं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। हाँ,
तो हम क्या चाहते हैं इन चारों ध्यानों में, इन चारों फील्ड में, हियर आर फोर फील्ड एक्टिविटीज, हम ऐसी खुशी लें जो दुख में न बदले। हर एक इंसान यही चाहता है। मैं हूं या आप माता है या बेटियां, मेरे बुजुर्ग हैं या मेरे धार्मिक भाई, यही हम चाहते हैं। चाहे हम किसी भी फील्ड में है, वेदर वी आर मैरिड अनमैरिड, वेदर वी आर सिंगल आर सो मैनी, हमारी कामना यही है चार दिन भगवान से लाए गए खुशी से काट जाए। लेकिन ये कोई सोचता हाउ, चाहते यही है कि मैं खुशी दिन काटू, पर कैसे? बस यही एक फतूर हमारे दिमाग में है, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मकान मेरा अपना हो, घूमने फिरने के लिए कोई मेरे पास वैन होनी चाहिए, दैट्स ऑल। पर ये तरीके है ही नहीं खुशी और आराम और चैन के। जिसने सृष्टि बनाई, ना मेरी माँ ने बनाई, ना आपके बाप ने बनाई, सृष्टि बनाई है परम पिता भगवान ने। तो हमें कंसल्ट करना चाहिए था भगवान जी को, जिसने सृष्टि बनाई। जैसे घर में कोई भी बात होती थी, मुझे वो दिन याद आते हैं, कोई भी समस्या होती है पिताजी के पास आते, पिताजी ये बात ऐसी हो गई, यहां तक कि स्कूल के कोई काम भी नहीं आता, हमारे पिता इतने दाना थे कि उनसे पूछते, पिता ये सवाल नहीं आया, स्कूल निकाला, ये मुझे मार पड़ी है, ये मैंने निकाला मुझे नहीं आया, घर के सवाल मिले हैं हमें नहीं आया, आप समझा दीजिए। अगर पिता ही नहीं समझा सकते तो फिर किसी मिनिस्टर के पास जाते कि आप समझाइए। इसी तरह हमें अप्रोच करनी थी भगवान को कि भगवान आपने सृष्टि बनाई, उसके आपने हमें पैदा किया, तो सदा रहे हमारी शांति, हम कौन सी अटेन करें। सुनो नेक जीवो, यहीं से इनकलाबी पहला स्टेप उठ खड़ा होता। बता मेरे परवरदिगारे आलम, बता मेरे परम पिता, आपने हमें अपनी सृष्टि में इनवाइट किया है, हम आपकी खुशी से आपकी दुनिया में आए हैं, चार दिन आराम से कैसे काटे? जो हम मांग के लाए आपसे, सुन मेरी भगवती, सुन सुन मेरे यंगस्टर, सुनो जरा बड़े ध्यान से, उन्हीं से पूछना चाहिए। जैसे हर बात हम अपने पिता से पूछते थे, मां से नहीं, क्योंकि हमारे गार्डियन हमारे हेड ऑफ द फैमिली पिताजी होते थे ना, जैसे आपके भी है। हाँ, इस तरह में कंसल्ट करना चाहिए। तो मुझे पूर्ण आशा, अगर आपने दिलो जान से कंसल्ट किया होता, मेरे भगवान आपके हाथों में गीता थमा देते, आपके हाथों में ये गीता चमकती चमकती जो अब नजर आ रही है, ये पहले ही आ जाती। क्योंकि प्रकृति में एक अटल नियम और एक काम कर रहा है, कई नियम काम कर रहे हैं ना, उनमें ये भी नियम है, एज दी डिमांड सो दी सप्लाई। जैसे इंसान मांग करता है मेरे सजो में देवियों, मेरे प्रभु की ओर से वैसे पूर्ति होती है। आप कभी भूल जाएंगे भगवान का ये फरमान, मेरे पास जिस तरह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। कितना प्यारा फरमान है भगवान का, ये भगवान हम सब में कितना, ये फरमान भगवान जी का कितना पॉपुलर हो चुका है, आप सब में ये बहुत पॉपुलरिटी ले चुका है ये फरमान। नियम ही ऐसा भगवान का, बड़ा अच्छा नियम है, डिमांड एंड सप्लाई। जहां भी मनुष्य जाति रहती है मेरे सजनों, जहां भी, चाहे हमारे इंडियन है, चाहे हमारे फॉरेनर है या अब्रॉड में रहती है, जहां भी ऐसी डिमांड सोरी सप्लाई। हम सब ने ये डिमांड की तो देखिए भगवान ने मुझे आपके लिए भेजकर कहां में था जंगलों में, और कहां भगवान ने प्रेरणा दी, और कहां में आ गया जो कभी खाबो चित में भी नहीं था कि मैं प्रचारक बनूंगा। मुझे तो इतना ही था कि मैं अपना कल्याण करूं और भगवान की जात में समा जाऊं। बस मैंने कई बार बताया मेरी लाइफ बड़ी स्ट्रेंज गुजरी है, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। लेकिन ये क्यों आपकी डिमांड थी? और मालिक किसी में ताकत भर के डिमांड सप्लाई करते हैं? तो जब आपकी डिमांड थी, आप चाहते भी यही है कि मेरा कल्याण हो जाए, बल्कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है, चाहे वो परमात्मा को मानने वाला हो या ना, थियस्ट हो या एथियस्ट, बिलीवर हो या नॉन बिलीवर, सब यही चाहते हैं जीवन के चार दिन आराम से काटे। लेकिन कटते हैं जब भगवान जी के अनुसार, जैसे घर में हम आराम से काट गए जब हम फर्मा बरदार बने पिताजी के, जब हम आज्ञाकारी ओबीडियंट बच्चे बने, स्कूल में भी हमने आदर मान लिया ओबीडियंट बन करके, और जब जब हमने जिस मास्टर जी को ओबे नहीं किया, मारे भी खाई। मैंने कई बार, मुझे कभी शर्म नहीं आती बताते हुए, मैं सच्चाई का पुत्र हूं, हर बात आपको स्पष्ट कह देता हूं। वही उसे मार पड़ी जब हम ओबीडियंट ना बने, वही से हमने प्यार लिया जब हम ओबीडियंट बने। इधर भी मैं यही देखता हूं, मुझे बरसों गुजर गया भगवान का प्यारा बने हुए। क्या जब हम भगवान के आज्ञाकारी बनते हैं, बस जिंदगी के चार दिन बड़े आराम से कटते हैं। अब आज्ञाकारी का मतलब भगवान की आज्ञा को मानना। मैं जिस गुरुदेव का बच्चा हूं, वो यही कहा करते थे स्वामी रामकृष्ण जी, क्या रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, किसी का आदर करने का मतलब क्या है, उसकी आज्ञा मानना। ओ मेरी नेक देवियों, ओ मेरे नेक सजनों,
कितनी दूर से आयो, कितनी ये तो बिल्कुल आउट ऑफ दी वे है भवन, बिल्कुल आउट ऑफ दी वे। कहा मीलो मील छावनी, छावनी से भी परे और सिटी के भी वो परे स्टेशन से आने का लाभ उठा लो, आने का लाभ उठाओ मेरे भाइयों, पूरा रुपए मैं आपके लिए आया हूं, एक शानदार इनका लाभ लाइए कि हमारा कल्याण कैसे होगा भगवान जी के ज्ञान को अपना करके। मैं बार बार कह रहा हूं भगवान का ये फरमान जो उन्होंने जो आपको भुजा बलन करके प्रभु ने कहा गीता में, जो है मेरी तालीम पर कर पाली, जो महाराज जी के अनुसार अपने जीवन को, जीवन का मतलब ही यही, तीन तो हमारे इक्विपमेंट है, तीन ही उपकरण है जो मैं और आपके लिए, बुद्धि मन और तन, बुद्धि मन और तन, इनको रन देना है भगवान के उपदेश में। चौथा तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट है ही नहीं, हमारे पास मेरी बताओ बेटी यही तीन इक्विपमेंट है ना, इंटेलेक्चुअली मेंटली फिजिकली, इन तीनों को रंगना किसमें है भगवान के। हमसे गलती ही हुई, हमने रंग दिया संसार के अनेक कच्चे रंगों में, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, संसार में रहे क्या अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, इसी को वर्ल्डलीनेस कहती है। कहीं हमारा राग है, कहीं हमारा द्वेष है, कहीं हमारी रगबत है, कहीं हमारी नफरत है, नथिंग बट नॉट ओनली फॉली बट ब्लंडर, ये हमारी भयानक भूल। अच्छा कहीं जब राग करते हो हमेशा वही राग करो, नहीं, आज जहां अट्रैक्शन है वो रिपल्शन है बदल जाती है, और आज जहां रिपल्शन है कल वो अट्रैक्शन मिल जाती है। हाय गए, इस मतलब वी आर ऑल बेसलेस मैन, कोई हमारा देश ही नहीं है, कोई हमारी कॉन्शियस नहीं। आज तो जिनसे प्यार करती है मेरी बेटी, कल चंद्र के बाद तकरार, और आज जिनसे का तकरार है कल उनके साथ प्यार। कितनी मिस्टीरियस और वंडरफुल ये दुनिया बन जाती है। इसके मतलब हमारा अपना कोई धर्म नहीं, हम बेईमान हैं क्या, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, शाबाश। ये कारण क्या, हमने भगवान का ज्ञान ही नहीं लिया। अगर महाराज जी का ज्ञान होता तो हमारे पक्के रंग में रंगे होते, जैसे अब आप रंगते जा रही है, जैसे अब आप रंगी जा रही है भगवान के विचारों में। मेरे से पूछा जाए भगवान के विचार है क्या, भगवान हमें उपदेश देते क्या है, यही से कल के उद्देश्य भक्ति का, भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं, हमने क्या किया, हम जहान के भगत बने, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान के भक्त बनना क्यों, जहान के भगत बनने से हमें घाटा रहता है, क्योंकि जहान की हर चीज लिमिटेड एंड शॉर्ट लिव्ड है। सुनो मैं कल से आगे निकल चला हूं, संसार की सब चीजें आपको बड़ी अच्छी लगती है लगने दो, लेकिन एक अवगुण है कि ये सारी चीजें लिमिटेड और शॉर्ट लिव्ड है, अर्थात ये चंद दिनों के लिए भेजी गई। मैंने कई बार कहा पक्का कर लो, ये नामे अध्याय का आखिरी फरमान पक्का कीजिए, अनित्यम आसुखम, ये चीजें नित्य नहीं है, ये चीजें परमानेंट नहीं है, एवरलास्टिंग नहीं है, प्रीनियल नहीं है, ये क्या है, टेम्परेरी है, शॉर्ट लिव्ड है, मोमेंट्री है। सुनो मेरे पढ़े लिखो, ओ मेरी पढ़ी लिखी देवियों, ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए आई है। जैसे मैंने आजकल के हम सारी समझाने की बड़ी चेष्टा किया करता हूं, जैसे हेड ऑफिस से तीन चार आदमी आते हैं ब्रांच ऑफिस में, क्या एडहॉक पेज पर कुछ उन्होंने फाइलों की नकलें लेनी होती हैं, वो छोटे अफसरों से मिलकर के कुछ बातचीत बड़े अफसर के लिए आए हैं, कुछ क्वेश्चन उन्होंने उनसे पूछनी है, और वो फाइलें जाते तैयार करके उन्हें अपने हेड ऑफिसर उन्हें बोलते हैं एडहॉक पेज पर। समझती हूँ मेरे सज्जनों, वो मेरी पढ़ी लिखी बेटी आप तो सारी काम करती है, कुछ स्कूलों में कर रही है, कुछ दफ्तरों में लगी हुई है, हाँ ना, उसे बोलते हैं एडहॉक पेज, एक विशेष कार्य के लिए विशेष समय, एक विशेष कार्य को लेकर विशेष समय के लिए आप आए हैं, और आज ये शब्द प्रचलित है एडहॉक पेज। परमात्मा की कसम, क्या ये सारे जहान के प्राणी पदार्थ एडहॉक पेज पे नहीं आए हुए, व्हाट ए वंडर। ओ मेरी भगवती, मैं आप ये सब के सब संसार की चीजें जितने भी हमारे डेली यूज में आती है, क्या एडहॉक पेज पर नहीं, एक विशेष काम करके जाने वाली है, उस विशेष काम के लिए परमात्मा क्योंकि सर्व ज्ञाता है, हर एक उन्होंने आयु भी दे रखी, पीरियड ऑफ लाइफ भी इतना, जितना कि उनका एडहॉक पेज का काम खत्म हो जाएगा। जैसे दफ्तर वालों का ये तीन महीने में आपका काम खत्म हो जाना चाहिए, तो हम कहते हैं थ्री मंथ पर एडहॉक पेज पर, सिक्स मंथ एडहॉक पेज, तो किसी की आयु 40 साल 50 साल, ये उनका उतने में काम खत्म हो जाना है। काम का मतलब अरमान, अरमान का मतलब अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जितने हमारे अरमान है वो इतने समय भगवान जानते हैं कि आयु खत्म हो जाए, इनके अरमान समाप्त हो जाएंगे, तो हमें वही अलॉटमेंट हुई है हमारी आयु की, और वो खत्म करके हम चले जाएंगे। बस ये एक बड़ा भारी कमजोरी है संसार के अंदर, कि जहां की कोई चीज भी परमानेंट नहीं,
या कि सारी चीजों को कहा गया ये यात्री हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर हमारा ये कैंट कितना बड़ा स्टेशन है और जंक्शन है, यहाँ पर यात्री खड़े होते हैं, हाथ में उनकी अटैची होती है, पर नजर आता है किसी ट्रेन की इंतजार कर रही है, ट्रेन आएगी चाहे अप आए चाहे डाउन आए और चल देंगे। हाँ, इसलिए सब चीजें जितने भी हमारे घर में रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, जिनका लेन देन उठना बैठना है हमारा, थोड़े दिनों के बाद अपना कार्य करने के बाद यहां से गो बैठ गॉन या टिकेगे नहीं। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा दाना कहा इनसे, दाना आदमी कभी भी अपना माइंड सेट नहीं करेगा, दाना आदमी कभी भी अपना मन मेरी भगवती नहीं लगाएगा, तो फिर मन को कहीं तो लगाना है, अगर हम इनके साथ नहीं लगाएंगे तो फिर आत्महत्या, जो मेरे देश में हमारी लानत जो दे रही है दूसरे कंट्री वाले, आत्महत्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, एक मैंने कहा था अमेरिका और एक अपना इंडिया, दिन प्रतिदिन आत्महत्या नारियों खास करके, क्यों मन टूट जाता है इनसे, हम कुछ ऐसे प्रकार के ट्रेंड ऑफ थॉट बनाते हैं, सिर्फ एक्सीडेंट सड़कों पे नहीं होते, वो फिजिकल एक्सीडेंट है, उससे कई ज्यादा मेंटल एक्सीडेंट आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा मेंटल एक्सीडेंट है। ओ जेंटलमैन, ओ मेरी लाडी बेटियों, मेंटल एक्सीडेंट मतलब हम इस प्रकार की विचारधारा बनाई, ऐसा होगा फिर ऐसे कर लेंगे, मैं पढ़ लूंगी फिर मैं कमाने लग जाऊंगी, फिर मैं अच्छी शादी हो जाएगी, वो भी कमाएंगे मैं भी कमाऊंगी, हमारे पास बहुत हमारा हाथ खुला होगा, मैं उनकी कदर करूंगी वो मेरी कदर करेंगे, ये सारी हम ये हवाई के लिए बांध लेते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं सोचते मेरा ऐसा मुकदर भी होगा, ऐसा होता नहीं आमतौर पर, जोर की हमारे विचारधारा यूं जा रहे थे, आगे जब शादी हुई श्रीमान जी मिले बिल्कुल ऊंच मिले, वो ऐसे नहीं थे, कुछ सख्त मन के थे। अच्छा, तो ऐसा नहीं मतलब होगा मेंटल एक्सीडेंट, आपने विचार यूं का लाइफ एक्ट बनाए थे, लेकिन बिल्कुल इसके रिवर्स हो रहा है, आपने कुछ सोचा था ए शर्मा वर्मा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसे कैसे हो, अगर भगवान हर एक के अनुसार करने लग जाए दुनिया एक घंटा भी नहीं चल सकती, हर एक के अनुसार कैसे चलेगा। इसलिए रब के दाना जो बड़े प्यारे हैं, अपने आप को भगवान के चरणों में निछावर कर देते हैं आपकी तरह, ना मेरे मालिक मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं तो आपका प्यारा हूं, हाँ जैसे आप मुझे प्रेरणा देंगे मैं वैसे करता जाऊंगा, ऐसे जीव बड़े शांत होकर भगवान की ओर अपने आप को लगा लेते। दुनिया वाले बुद्धू हैं, अपनी वासनाएं कामनाएं इच्छाएं रख 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 के मरते जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे घर में हमने स्वर्ग देखा, पिताजी के हवाले हो गए, मैं हूं या माता जी या बहने हैं, ये कहे पिताजी क्या करना है, हमारा ये तकिया कलाम था अपने घर का, अगर मैं वो दिन याद करूं 1940-45 के तकिया कलाम, पिताजी क्या करना है बताइए, बहने तो भी करिए पिताजी कुछ बताइए मैंने क्या करना है, आज तुमने ये करना है, अच्छा आज मैं बाहर जा रहा हूं और तू बड़ी बाजार में जाकर ये चीजें लेके आना, जो आ गया पिताजी मैं ऐसे ही करूंगी। घर में स्वर्ग, एक ने कही दूजे ने मानी, पता है आपको हिंदुस्तान में क्या कहावत चलती है, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी है। आप घर में पिताजी ने कहा आपने हाथ जोड़े जी, घर में अम्मा जी ने कहा माँ जी ने कहा आपने हाथ जोड़े, हाँ माँ ऐसा ही होगा, तुझे दोबारा नहीं कहने पड़ेगा शाबाश मेरी बेटी शाबाश, कितनी दुआएं निकलती है माँ से, जब आपने ये कहा माँ तुम्हें दोबारा नहीं कहना पड़ेगा मैं ऐसे ही करके दिखा दूंगी, वेल एंड गुड। इसी तरह ही जीव जब भगवान की ओर लपकता है तो जहान के हर एक चीज को देख लेते हैं, टेम्परेरी है। याद रखना दुनिया के भगत इसलिए दुखी होती है, उन्होंने शेख चिली की तरह मैल खड़े की होती है, वैसे होता नहीं इसलिए वो दुख पाते हैं। जो आजकल सारी दुनिया में चारों बीमारी फैली हुई टेंशन की, टेंशन मतलब तनाव, टेंशन मतलब दुविधा, टेंशन मतलब व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। आज हर एक इंसान दुराय पर खड़ा है, हर एक इंसान मेरी बेटी दुराय पर खड़ा हो पड़ा, विथ वे टू लीड, दुराय पर खड़े होकर एक अजनबी आदमी एक स्ट्रेंजर आदमी नए सिटी में आता है तो उसे पता ही नहीं है मैं किधर जाऊं, पूछेगा बार बार कहां से जाऊंगा, क्योंकि आज हम दुविधा में हैं, मनमानी करके वो चोटे खा चुके हैं। इसलिए काफी मेरी बेटियां आत्महत्या करती जा रही हैं, मेरे भाई भी बड़े अजीब गंदे तरीके से इनडिसेंट वल्गर तरीके लेकर अपने आप को मारते जा रही हैं। आप जैसे दाना ने आत्महत्या नहीं की, टूटे आपकी मन है आप इधर मुड़ा, मेरी देवियां ने आत्महत्या नहीं की इधर आ गए, क्या नहीं मुझे अपने भगवान के अनुसार जुटना चाहिए, मुझे अपने मालिक के अनुसार लगना चाहिए, अगर मैं चार दिन लो, अब जैसे गाड़ी डिरेल हो जाती है
और क्रेन आता है उसके उठाने के लिए। भगवान जी के फरमान, भगवान जी की गीता परमात्मा की कसम सबके लिए क्रेन का काम कर रही है। नाउ वी आर ऑल ऑन द लाइन, वी आर ऑल ऑन द लाइन। पहले कहते डिटेल थे, अब ऑन द लाइन नहीं थे, हम उतर गए थे भगवान के बताए हुए सुखदाई मार्ग से। मेरे सज्जन बिल्कुल उतरे हुए थे। अब मैं फखर से कह सकता हूं, गौरव से कह सकता हूं, क्या हाँ, वी आर ऑल ऑन द लाइन। जैसे भगवान जी चाहते हैं कि उनके बच्चे आराम दिन आराम से काटे। मैंने कई बार आपसे कहा, पूछो अपने भगवान से कहते बैठकर, आपने दुनिया बनाई, आपने हमें पैदा किया, अपनी दुनिया में आपने हमें भेजा, बता परवरदिगारे आलम, बता मेरे परम पिता मेरे भगवान कृष्ण, मैं जीवन के चार दिन आराम से कैसे काटूं। आपने मुझे नारी बनाया, आपने मुझे बेटी बनाया, आपने मुझे पत्नी बनाया, आपने मुझे मां बनाया, आप ही बताओ मेरे परम पिता मेरे अंतर्यामी, हाउ टू पास माई लाइफ हैप्पीली ग्लैडली पीसफुली एंड कामली, व्हाट आर दोज मींस। ये आपका हक है, आपका बर्थ राइट है ये कहना। बर्थ राइट, ओ यस। आप अपने परम पिता से पूछो, उन्होंने तो हमें भेजा है। जो आपने श्रीमुख से गीता के पंद्रह अध्याय में कह रहे गए, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई, और वही फखर से कह रहे हैं आपको गीता जी के अंदर में, सारे जहां का वो माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। कितने आदर मान से कह रहे हैं मेरी देवी मेरे सजनों। यहीं से भक्ति की शुरुआत हो गई। भक्ति का मतलब मन के विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो जाना। पहले मन के, पहले भी दुनिया में तो हर एक भगत है, पहले हमारे मन के विचारों का प्रवाह जहान की ओर था, ट्रेंड ऑफ माइंड, ट्रेंड ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स वर्ल्डलीनेस, अब ट्रेंड ऑफ माइंड एंड लाइन ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स ऑलमाइटी। समझो जरा, समझो मेरी बेटी, कोई भी ये नहीं कह सकता मैं भक्त नहीं हूं। फर्क ऑब्जेक्ट का है, किसी का भक्ति का ऑब्जेक्ट संसार है, हमारी भक्ति का ऑब्जेक्ट संसार बनाने वाला है। दिस इज दी ओनली डिफरेंस। सारे भगत है, जो आपको भक्तानी कहे ना, पकड़िया कर कुशल्या, तूने मुझे बड़ी खुशी हुई तूने मुझे भक्तानी कहा, पर कुशल्या एक बात बता दू, हाँ हाँ, दुनिया में कोई भी ऐसे नर नारी नहीं जो किसी न किसी की भक्ति ना करती हूं है। हाँ, जो देश की भक्ति करे वो देश भगत, जो माँ की भक्ति करे वो मातृ भगत, हाँ, जो भाई की भक्ति करे वो भरत की तरह भ्रातृ भगत, जो धन के लिए दिन रात लगा रहे तो वो क्या हो गया, वो आपके लक्ष्मी भगत, हाँ, जो गुरुदेव की पूरी आदर मान करे और दिन रात उनकी सेवा करे तो हमारे देश ही मशहूर है गुरु भक्ति, गुरु भगत, हाँ, और जो भगवान की भक्ति करे वो हरि भगत। दुनिया में सारी भगत है मेरी बच्ची, अगर किसी की भक्ति नहीं करेगा तो लाइन के सिर पर सिर रखेगा, फिर तो वो यही बोलता हुआ निकल जाता है, ये हम जी कर क्या करेंगे, आगे क्या बोलू, जब दिल ही टूट गए, दिल कहीं लगा हुआ, जहां लगा होगा उसके भगत कहलाएंगे, जिसके लिए जिसकी ओर हम लगे हुए हैं वो दे डिवोटी ऑफ दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। मैंने कितनी बार आपको कहा, वी आर दी डिवोटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जहां हमारे माइंड की इंक्लिनेशन है, जिधर हमारा माइंड इंक्लाइंड है, ओ मेरे कल्याणकामी सजनों, मेरे कल्याणकामी देवियों, वी आर ऑल डिवोटी। मैं तो आपको ये कहा, हर एक इंसान, हर नर नारी जो इस संसार में रह रही है, दे आर ऑल डिवोटी। किसके, इसके उसके, और दो प्रकार की डिवोटी, जो है दुनिया की डिवोटी और दुनिया बनाने वाले के। हमारी किस्मत अच्छी, हम दुनिया बनाने वाले के अब डिवोटी बन चुके हैं। आप देखती हैं, आप अंबाला में रह रहे हैं, कितना भारी परिवर्तन, अंबाला की गलियों में परिवर्तन आया, मोहल्लों में परिवर्तन आया, हाँ, आपके अपने घर में परिवर्तन आया, हाँ, आपके रिश्तेदारों के मनों में परिवर्तन आया, शादी के बाद मेरी बेटी में परिवर्तन आया, मेरे भैया में बेटे में परिवर्तन आया शादी के बाद, कितना बड़ा परिवर्तन है। दुनिया का नाम ही चेंज है, चेंज इज द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज द चेंज, मुझे कहना चाहिए प्रायवाची शब्द है, परिवर्तन कहो संसार कहो, संसार कहो परिवर्तन कहो, एक रुपया कहो या सौ पैसे कहो, सौ पैसे कहो एक रुपया करो, वन एंड द सेम थिंग, यू से चेंज यू से वर्ल्ड, वन एंड द सेम थिंग, चेंज ही वर्ल्ड है, वर्ल्ड ही चेंज है, हर बात में परिवर्तन 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 परिवर्तन। तो उस पर क्या विश्वास करना जिसमें परिवर्तन ही परिवर्तन हो, ना वो सेहत रहती है, ना वो चेहरी रहती है, ना हमारी वो अपीयरेंसेस रहती हैं, कितना अंतर है। लेकिन एक भगवान की सत्ता है जिसमें कोई अंतर नहीं आता, जिसको हम परमपिता कहते हैं,
जिसको हम इष्ट देव कह के गदगद होते हैं, उस हमारे परमात्मा में कोई अंतर नहीं आता। अब हम उसी की डिवोटी तो हैं। विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए कब होता है? जब संसार से हम चोटे खा लेते हैं, जब हमारी सब प्रकार की संसार संबंधी आशाएं निराशा में परिवर्तित होती है, देन एंड देन अगर हमारे कर्म भाग अच्छे हो भगवान की ओर चल जाती है, अगर हमारे भाग अच्छे ना हो तो फिर मौत की ओर चल जाती है। आत्महत्या बड़ी खतरनाक अवस्था है। जब संसार से चोटे लगे और दिल टूट जाए तो आपकी बड़ी अच्छी किस्मत, खूब आपको चोटे लगी, लेकिन आप भगवान की ओर आ गए। और जो जहान को चोटे लगती है, जहान वालों को, आत्महत्या कर लेती है, कहीं जहर खा लिया, कहीं लाइन पे खड़ा हो गया, कहीं आपकी जाति अपनी चुनरिया लेकर के फांसी ले लेती है, मौत। आपने क्या किया? ये आपके भाग्य अच्छे, मेरी हार्दिक बधाई कि आप भगवान की ओर मुड़ आए। कि जिसने सृष्टि बनाई है वो क्या कहती है, जिसने संसार बनाया वो हमें खुशी से कैसे जीना सिखाती है? इसलिए बार बार कहता हूँ, गीता आपको बाखुशी जीने की कला सिखाती है। गीता केवल दो कला सिखाती है ना, ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, गीता केवल दो कला सिखाती है, बाखुशी कैसे जिया जाए और टाइम आ जाए तो बाखुशी कैसे इस शरीर को छोड़ दिया जाए। ये भी तो जरूर आना है टाइम, ये भी तो अनिवार्य है ना। हाँ, इसी मेरे गुरुदेव ने मेरी बुद्धि में रखकर मेरा बड़ा कल्याण किया, ये कहते हुए हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। लिव और लीव में थोड़ा फर्क है। जिए तो खुशी से कैसे जिए और छोड़े संसार को तो खुशी से कैसे छोड़ जाए। गीता ये दोनों कला सिखाने में बस कमाल करती है, गजब ढा देती है। ऐसे इंसान हर समय प्रसन्न गदगद, हर समय अपने आप में एक विशेष प्रकार का पीस ऑफ माइंड अनुभव करता रहेगा। बड़ा भारी उपकार है इस रूप में। दुनिया का कोई ऐसा धार्मिक शास्त्र नहीं जो आपको इतने चोटी की दलीलें देके, आपको कर्म योग देके, भक्ति योग देके, ज्ञान योग देके सिखाता हो। हमारे अपने भारत में भी कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आपको ये इस तरीके सिखा देता हो। कर्म योग के ढंग से आपके अनुकूल नहीं, भक्ति योग के ढंग से आपके अनुकूल नहीं, ज्ञान योग के ढंग से, क्योंकि इंसान में तीन ही डिवेलप करती है, फिजिकल डिवेलप कर जाए शरीर तो कर्म योग ले लो, अगर मन डिवेलप करता है तो भक्ति योग ले लो, और अगर बुद्धि डिवेलप कर जाती है तो ज्ञान योग ले लो। कितने साइंटिफिकली, मोस्ट साइंटिफिकली, कितना वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित रूप से भगवान जी आपको गीता देती है। इतना बड़ा ज्ञान मेरे जैसे अगर फिदा हो चुके हैं भगवान पर, तो यही तो कारण है कि खुशी से जीने तरीका यही है, आराम से जीने, दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अल्टरनेटिव। बेटे कोई विकल्प नहीं है, कोई बदल नहीं है, हम खुशी से जिए, यही तरीका है। अच्छी तरह दुनिया को छाना हमने, अच्छी तरह देखा मेरी देवियों, अच्छी तरह, यही एक तरीका है बाखुशी। माँ बाप की जिंदगी देखी, कोई अच्छी जीवन नहीं, और रिश्तेदारों का जीवन देखकर रोते पीटते बेचैन बेकरारी, सब कुछ घर में होते हुए बेचैनी है बेकरारी, ये एक तरीका है। कुछ भी ना हो पल्ले, हाय कैसे आदमी आराम से रहता है। आप देख लो, वही आपका परिवार है, वही आपका सब कुछ है, लेकिन कितनी एक मार्वलस चेंज, एपिसिमल अप्लॉडेबल चेंज आपके अंदर आ चुकी है। हाँ, वही गली, वही मोहल्ला, वही अंबाला, लेकिन आप वो नहीं रहे, आपके विचार वो नहीं रहे, आपका ट्रेंड ऑफ माइंड वो नहीं रहा, आपका एंगल ऑफ व्यू वो नहीं रहा। कितनी आप एक विशेष प्रकार का अपूर्व आनंद जो पहले आपको कभी नहीं मिला आप महसूस करती हैं। वरना दूरी, इतनी दूरी से यहां आना, क्योंकि भवन आपका ऑन द वे है, इट इज इंटायरली आउट ऑफ द वे, पर आप कोई दूरी नहीं देखते, दूरी नहीं देखते। आपने लाखों रुपया खर्च करके अपनी बसें बना ली है जो आपको ले आती हैं, ले जाती हैं, आपने रुपए की परवाह नहीं की। कितना रुपया आप खर्च कर रहे गए और कर चुके हैं शेर महाराज जी की वाणी को श्रवण करने के लिए, क्या हम सुने और कुछ अपनी बिजली बनाए? तो मेरी देवियों, भक्ति की शुरुआत कब? जब विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए। जैसे पहले विचारों का प्रवाह, फ्लो ऑफ थॉट टुवर्ड्स वर्ल्डलीनेस, आप फ्लो ऑफ थॉट टुवर्ड्स गॉडलीनेस, टुवर्ड्स गॉडलीनेस। सुनो ओ मेरी नेक जीवो, सुनो ओ मेरी नेक देवियो, इतना ही फर्क पड़ जाता है। जो हमने रिसर्च की, रिसर्च कर रही है, गुरुदेव जी से ज्ञान लिया, अनुभव कर रही है, इतना ही अंतर है कि हमारे विचारों का प्रवाह भगवान की ओर जाता है। फिर आगे कितना खुल जाता है, भगवान इनाम में क्या देती है? विवेक, वैराग, भक्ति, चौथी क्या बोलू, शक्ति। महाराज जी से पुरस्कार रूप में या रिवार्ड रूप में या अवार्डेड
अवार्ड मिलता है भगवान की ओर से विवेक वैराग्य भक्ति और शक्ति। जब जीव होली एंड सोली मेरे नेक जीवो मेरे नेक बेटियों भगवान की ओर लग जाता है। होली एंड सोली आई मीन टू से, होली एंड सोली का मतलब इंटेलेक्चुअली मेंटली फिजिकली। यही मैंने पहले भी कहा, तीन हम उपकरण लेके आए हैं इक्विपमेंट्स, क्या बुद्धि, नाभि से 10 उंगलों पर मन और बार हमारा तन। मैं हम कहते हैं वो पूर्ण प्रेम भगवान का प्यारा बन गया। मतलब क्या हो गया, बौद्धिक रूप से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो भगवान का प्यारा बन गया। तो ऐसे जीव जो बिल्कुल इससे तरक्की कर, बड़ी जल्दी तरक्की कर जाएंगे। तो आप भक्ति के विषय में दोबारा सुनना चाहते हैं ना, विचारों का प्रवाह आपका भगवान की ओर है, चलते फिरते उठे बैठे खाते पीते लेते देते आते जाते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए जो हम हमारा डेली रूटीन जो है, वेयर आर योर थॉट, बॉडी में भी हमारे जिस्म कहीं भी रह सकता है लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड, व्हाट अबाउट योर थॉट्स। ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटी, ओ मेरे पढ़े लिखे भाइयों, आप देखती रहती हो ना, बाबा जरूर देखती है, आपके विचार कहां है। भगवान यही तो कहती है, तन काम में भगवान का ये फरमान बड़ा कल्याण कर गया हमारा। तन काम में मन रही धन, दो ही तो अंग है, ये तन इस द्वारा हम काम करते हैं, ये मन इस द्वारा, ये है विचारों का घर, ये विचार जिसे कहते हैं, ये विचार कहां रहती है। अगर ये भगवान के संग रहती है बस बात बन गई। कई मेरी बेटियां कहती हैं ये कैसे मुमकिन होगा, विचारों में भगवान जी और तन द्वारा काम। बेटी तू भी पूछेगी क्यों, तू भी पूछेगी, अगर मैं मनोरमा को खड़ी कर दूं संगत के अंदर, मनोरमा बाबा ना खड़ी करा, तू भी पूछेगी तुमने लव मैरिज की है ना, हाँ बाबा, तो घर के काम करती नहीं रही, कपड़े धोना है, रसोई में जाना है, रोटियां पकानी है, बाजारों में जाना है, और मन कहां था, मन उसी के साथ था, मनोरी के साथ। ओ मनोरमा तो सारे काम किए ना, किए बाबा, और मन उसके साथ लगा रखा, अब शादी होगी ना उसी के साथ, हाँ अभी देख ले। अगर एक शारीरिक प्यार करने वाले, लव अफेयर करने वाले सारे धंधे कर सकते हैं और मन ही मन में हाँ उसका ध्यान भी करते हैं, तो क्या ये इम्पॉसिबल है कि मन ही मन में मालिक के गुणों का याद करते हुए हम अपने जो डेली रूटीन है उसको जारी रखें, जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है। भगवान इतनी कृपा कर देते हैं मेरे सजनों कि जो अनवांटेड एक्टिविटीज थी वो छूट जाती है। ये भी महसूस होना कितनी किस्मत की बात है कि व्हाट आर वांटेड एंड व्हाट आर अनवांटेड ड्यूटीज। बड़ी अच्छी किस्मत जागी हो तब पता लगता है कि जरूरी कर्म कौन सी है और गैर जरूरी कौन सी है, अवश्य कौन सी है, अनावश्यक कौन सी है, नेसेसिटी क्या है और लग्जरी क्या है। इनमें डिस्टिंग्विश करना इज नॉट एन इजी जॉब, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आजकल के एटमोस्फियर में, आजकल के एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स में बड़ा मुश्किल है बेटे। ये तो मेरे मालिक की आप पर बड़ी कृपा हो गई है कि आपको पता लगने जाके कर्तव्य कर्म क्या है, आपके कर्तव्य कर्म रह जाती है, बाकी सब की सब एक्टिविटीज मेरे मालिक खींच लेती है। आप देख लो कौन भक्ति कमा रहा है जिसकी विचारों का प्रवाह भगवान की ओर जा रहा है, और तन द्वारा जो हमारे जरूरी कर्तव्य है वो हम कर लेती है। समझी मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामी देवियों, समझ गई ना, भक्ति कब शुरू होती है, जब विचारों का प्रभाव भाव, और विचारों का प्रभाव कब भगवान की ओर होता है, मेरे कहने पर नहीं, किसी कहने पर नहीं, क्या जबरदस्ती, बिल्कुल भी नहीं। अगर जबरदस्ती कोई आपको लाता भी है, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बेटा है, तो क्या होता है, चार दिन आओगे, पांच दिन आओगे, वो देखिए आपके भगवान कर्म योग में क्या करेंगे। यहाँ जबरदस्ती काम चलता नहीं, इसी को अंग्रेजी में अनुवाद कर लिया उन्होंने, प्रावर में रख लिया, फोर्स इज नेवर फोर्सिबल। जिसको आप जबरन कराएंगे उसमें ताकत नहीं रहेगी, फोर्स इज नेवर फोर्सिबल। चाहे आपका बेटा हो तो आप क्यों आते हैं, तजर्बे हो चुके हैं आपको, बड़े कड़े तजर्बे हुए हैं, बड़े कड़े तजर्बे, शाबाश शाबाश शाबाश। मैं आपको ये शेर सुनाया करता हूँ भारत का, कितना अच्छा शेर है, सुखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, वो देखो रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। मेहंदी को जितना हम घिसेंगे उतना रंग ज्यादा चढ़ेगा, इंसान जितनी ज्यादा ठोकरे खाएगा उतना ही ज्यादा भगवान की ओर आएगा। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, ओ मेरी भगवती, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। ठोकर पे ठोकर लगती रहते, फुटबॉल को दोनों खिलाड़ियों की चोटें लगती है, फुटबॉल बीच में होता, उधर खिलाड़ी इधर खिलाड़ी दोनों खड़े हैं, फुटबॉल की कितनी दुर्गति होती है। इस तरह इंसान के मन और तन की जब संसार में दुर्गति होती है
तब जाके वो भगवान की ओर मिलता है, या आत्महत्या कर लेगा हाँ, या भगवान की ओर आ जाएगा। तब तजर्बा हो गया, अब आपने भगवान को महत्ता दे दी। ये बात पकड़िए, हम कब भक्ति करती हैं? जब पूर्ण रूप भगवान को महत्ता देती है, जब भगवान को हम इंपॉर्टेंस देती है। दुनिया वालों ने दुनिया को इंपॉर्टेंस दे रखी है, तो जिसको आप इंपॉर्टेंस दे दिए, तन और मन दोनों उधर झुक जाएंगे। आहा, पकड़ो गीता जी का ये फरमान, बेटी पकड़ेगी फरमान। दुनिया ने बड़ी भारी ब्लंडर कर रखी है कि दुनिया को माता दे, यही पे माता देने योग है। जो हर क्षण बदलती जाए, एक जैसी न रहे, परिवर्तन आता जाए, हमारा सदा साथ ही न दे सके, जिसके मन में तब्दीली आए, जिसके इरादों में तब्दीली आए, जिसके तन में तब्दीली आए, इसमें तब्दीली तब्दीली आती जाए। हाँ, उस पर आप डिपेंड करें, क्या वो रिलायबल डिपेंडेबल हो सकती है, क्या वो विश्वसनीय अवलंबनीय, राष्ट्रभाषा के दोष बन लो, विश्वसनीय रिलायबल, हाँ अवलंबनीय डिपेंडेबल, वो चीज रिलायबल डिपेंडेबल नहीं हो सकती जो बदलती जाए बदलती जाए बदलती जाए। दैट कैन नेवर बी बिलीव, दैट कैन नेवर बी डिपेंडेड। एक भगवान की जात है जो इम्यूटेबल अनचेंजेबल, इम्यूटेबल अनचेंजेबल, उसमें कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आपने पूरा महत्ता भगवान को दे दी। जिसको हम महत्ता देते हैं, मन गया उधर, मन के विचार उधर गए। अब हमारे भाग्य अच्छे कि हमने मरने से पहले पूरी महत्ता भगवान को दे दी। जहान हमारे लिए सेकेंडरी बन के रह गया और भगवान हमारे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, भगवान की दर्जा ले गए फर्स्ट और फॉरमोस्ट का, समझे, भगवान जी ये दर्जा ले गए और जहान हमारे लिए गौन हो गया। हमने प्राथमिकता जहान को दे दी, मुख्यता जहान को दे दी, हमने प्रधानता भगवान को दे दी। हमारे अभाग्य, पहले हमने मूर्खता थी, जहान को प्रधानता दी थी, अब भगवान को महत्ता दी और जहान को गौनता, जहान को हमने सेकेंडरी बना डाला और भगवान को हमने फर्स्ट और फॉरमोस्ट, प्रेफरेंस आप भगवान को दे रही है। आई बस, जिसको आप प्रेफरेंस देंगे, जिसको आप महत्ता देंगे, मन के विचार उधर हो जाएंगे। शाबाश, इधर देख लो अपने भारत का, रावी का पानी आपने नहीं जाने दिया लाहौर में, पाकिस्तान में, आपके पहाड़ों का पानी है, आपने महत्ता दी, इससे हम बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं, करोड़ों रुपया हम कमा सकते हैं डैम बना करके। जिले गोविंद सागर आपने बना डाला, नहीं पानी जाने दिया आपने, करोड़ों रुपया आपको बचत हो रही है, करोड़ों बचत रुपया। अच्छा, इतनी बड़ी खाद की आपने फैक्ट्री लगा डाली है और उससे कितनी नहरें निकल रही है, रिसार में जा रही है, कितनी मेगावाट बिजली आपने पैदा कर ली। सिर्फ महत्ता दिया कि हम अपने भारत में रखें, हमें बड़ा लाभ है। इसी तरह जब हम महत्ता देते हैं भगवान को कि मेरा कल्याण भगवान से, आवागमन छुट्टी भगवान से, सदा रहने वाली शांति भगवान से, नाना प्रकार के दुखों का छुटकारा भगवान से, then why I should give importance to the worldliness? अगर आप ऐसे तुलनात्मक अध्ययन वाले मित्र से कंपेरेटिव स्टडी जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आपको सिखा दिया गया, जैसे भगवान जी का फरमान आपको बता दिया गया, जब एकांत में बैठ के हम दोनों में कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं बिटवीन वर्ल्डलीनेस एंड बिटवीन गॉडलीनेस, जब दोनों में मुकाबला किया, आकाश पाताल का अंतर पाया, तो क्या हो गया, रो उठा हमारा मन, चिल्ला उठा हमारा मन, महत्ता हमने भगवान को दे दी। अब क्या विचारों का प्रवाह, विचारों का फ्लो भगवान की ओर हो गया। इसलिए मैं एक यूनिवर्सल बात बता रहा हूं, जिनके विचारों का प्रवाह भगवान की ओर, वो भगवान के भगत, बदकिस्मती से एज इल लक वुड हैव इट, जिनके विचारों का प्रवाह जहान की ओर में सजनो, वो जहान के भगत दुखी होते रहेंगे, क्योंकि जहान ने उनका साथ नहीं देना, जहां ने साथ नहीं देना, जहां ने बदलते जाना बदलते जाना बदलते जाना। भगवान आज एक भी दृष्टांत मिलता कि भगवान ने किसी को धोखा दिया, युग युग युगांतर गुजर गए, आज तक मेरे भगवान ने किसी को धोखा नहीं दिया। और जहान के करोड़ों व्यक्ति मिल जाएंगे जिसको जहां ने धोखा दिया। जहान कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा ट्रेंड ही यही है, बदलना 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 बदल जाना। मैंने आपको एक घटना सुनाई थी, कहकर फिर खामोश होता हूं। एक कोई राजा का बेटा शहजादा यानी राजकुमार वेश्या से प्यार करता था, यानी जो सारी सिटी की बहू थी प्रोस्टिट्यूट, उससे प्यार करना, उसके पास जाना, उसको बड़ा अपने सोने के जेवर घूमर इत्यादि बहुत कुछ देना, रुपया भी देना। एक दिन अचानक उसके दोपहर को दिल किया और उसके पास पहुंच गया, देखते वहां दो तीन और भी बैठे हुए यंग मैन, बड़ा क्रोध आया, अरे
ये कौन है? वो डर के मारे सारे भाग गए। ये कौन से तेरे पास बैठे हुए? एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़ वो खाती गई, कभी यूं करे कभी यूं करे, कभी पीठ पर मारे, चार पांच मारने के बाद मुस्कुरा रही है। जरा ध्यान देना, ईर्ष्या मुस्कुरा रही है, इतनी जोर के थप्पड़ मारे, चार पांच मारने के बाद मेरी देवी मेरे सजनों अपने अपने आप को विद्रोह किया। अरे तू रोती नहीं और हंसती जा रही है, और मार लो। क्यों? भूल आपकी है, मेरी भूल नहीं। क्यों? आप इसलिए क्रोध किया ना कि और कोई ये यंग मैन बैठे हुए थे। हाँ, तो औरों को भी चाहती है? हाँ। फिर भी चाहेगी? हाँ। राजकुमार जी, हाँ, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की मैं कौन हूं। तू एक सुंदर नारी है जिसको मैं चाहता हूं, ये ठीक है, लेकिन मेरा पेशा क्या है? मैं तो एक वेश्या हूं, है, मैं तो एक प्रोस्टिट्यूट हूं, तो ये तो मेरा पेशा है, ये तो मेरी लाइवलीहुड है। कितना अच्छा होता है राजकुमार अगर आप नेक अच्छी खानदान की लड़की को पत्नी बनाकर उसकी शादी कर लो। मैं तो गंदी हूं, सारे शहर का गंद उठाती हूं, मैं तो वेश्या हूं। आपको गलती लगी ना, आपने मेरी सुंदरता को देखा है पर मेरी कमीन की मेरी गंदगी को नहीं देखा, कि मैं तो सब कुछ आती हूं। ये जो कुछ आपने मुझे दिया मैंने अपने बॉक्स में बंद किया है, ये लो, जिस मेरी बहन के साथ आप शादी करेंगे ये मेरी ओर से उनको भेंट में दे देना, जो पहले कभी आपने विजिट किया और ये दिया ये उसको दे देना। मैं प्रयोग करने योग हूं ही नहीं, मैं तो गंदी हूं, पर आपने जाना नहीं कि मैं वेश्या हूं। भला हो तेरा, आज तूने मुझे रास्ते पे डाल दिया। सचमुच तू तो ठीक है, मैं ही बेवकूफी कर रहा हूं, मैं किसी अच्छी शहजादी के साथ शादी करूंगा। तूने बता दिया, दुनिया भी यही कहती है मेरे सजनों, मेरी तो वेश्या है। आज तक किसी की बनी ये कंचन, ये कामनी, ये कीर्ति, ये मौसम, ये फिजाएं, ये रिश्तेदार, ये लेना, ये देना, आज तक किसी के बने? हजारों व्यक्ति मर गए इसको अपना बड़ा बना करके, लेकिन ये किसी की क्या? माँ हमारी बनी, मौत खा गई, पिताजी हमारे बने, मौत खा गई, पत्नी हमारी बनी, मौत खा गई, या कोई बनेगा आपका? कदापि कदापि नहीं। देयर इज वेरी वंडरफुल चेंज, ये सारे बदलते जा रही है, इनका स्वभाव ही ऐसा है, जैसे वेश्या का स्वभाव यही है, हर एक किसको अपना बनाना, कुछ समय के लिए अपना बना लेती है, फिर वो चला गया, सेकंड वन, थर्ड वन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो क्योंकि वो वेश्या है, कि दुनिया के हर प्राणी पदार्थ वेश्या है, उनका नेचर ही यही है। इसलिए भगवान पांचवें अध्याय के 22वें श्लोक में दाना कहां उससे, दनाद भी कभी भी अपना मन इन पे नहीं लगाएगा, उन्हें पता है जिस तरह ये आज है ये कल रहने वाली नहीं है। मेरी बेटियां कभी भी संसार में व्यवहार करेंगी इस बार नहीं करेंगी, सुन मेरे भगवान का फरमान और मैं अब आज खामोशी लूं, व्यवहार करेंगे पर हम इनका इतबार नहीं। दुनिया में हमने रहना, हमने मैं कोई बाहर नहीं चला गया, आप ही के बाहर चले गए, लेकिन हमारे एंगल ऑफ विजन में हमारी भावनाएं बड़ा अंतर आ गया। अब हम दुनिया में तो है पर दुनिया के नहीं है, हम दुनिया बनाने वाले के। ध्यान दो मेरे सज्जनों, हम दुनिया में है पर दुनिया के नहीं, हम दुनिया बनाने वाले के हैं। आपने शादी की और इतना परिवार है, साफ है, ससुर है, नंदी है और देवर है, आप ऐसे परिवार में हैं, लेकिन आप इनके नहीं है, आप पति के कारण से इनके, आप एक पति के कारण से ससुराल में हैं, इसे आप जैसे नेक जीव एक भगवान के कारण से अपनी जिंदगी का दिन काटते हैं, केवल एक भगवान के कारण से, जो कि संसार के क्या है, रूट कॉज है। God is the only root cause. God is the only root cause. हाँ, वो ही इनके root cause है। इसलिए हमारा विचारों का प्रवाह भगवान की ओर, और हम रोती हैं, पश्चाताप करती हैं, जिंदगी के अनमोल दिन हमने संसार में लगा दिए, जो कि संसार बिल्कुल ही किसी का नहीं बन सकता, इसका स्वभाव ही ऐसा है, जैसे एक वेश्या अपने स्वभाव से मजबूर है, जो उसको अपना समझता है राजकुमार की तरह, उसे रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। बस जब विचारों का प्रवाह भगवान की ओर आया, भगवान क्या कहेंगे आपको? जब विचारों का प्रवाह इस तरह तरीके से परिवर्तन हुआ, मेरे भगवान क्या कहेंगे? पहले भुजा बलम करेंगे, भुजा बलम करके फिर आपको यूं करेंगे, क्या कहेंगे? वही गए मेरा भक्त, 12वां अध्याय, वही गए मेरा भक्त प्यार, वो मेरा प्यारा है, जिसके इरादे में भगवान जी है, विचारों में भगवान जी है, कर्मों भी करता है तो भगवान के नाते से करता। समझे मेरी बेटी, आपने भक्ति की बातें फिर छेड़ ली है, आप अपने विचारों को देखो, मेरे विचार कहां जाती है,
भगवान ने कितनी आपको छूट दी है, ये गीता छूट देती है और कोई छाते नहीं करे जिस कदर उस पे लाजम है काम मगर आसरा मुझ पे रखी मदाम। यह है भक्ति कि भगवान का सहारा लेकर के जो हमारे ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है हम बजा लाएंगे, बजा रही गए बजा लाएंगे, लेकिन जहां तक मन के विचारों का सवाल है वो हमेशा भगवान की है। यही मीरा ने कहा था जब राणा तंग हुआ था, क्या तेरी शादी नहीं हुई मेरे साथ? राणा जी मैंने कब कहा नहीं हुई, जरूर मेरी शादी आपके साथ हुई है, लेकिन तो जो कुछ मैं कहता मैं तो उचित बात आपकी मानती हूँ। मैं राणा जी आज भी कह रही हूँ, उस दिन भी कहा था, तन पे आपका अधिकार है, मन पर तो गिरधर गोपाल का अधिकार है। मैं करूं तो क्या करूं, मन से मैं गिरधर गोपाल को पति बनाए हुआ है, तन आपका है, इसको रखो मारो जो मर्जी करो। यही हाल हम सबका बनता जा रहा है, तन द्वारा जो भी हमारे कर्तव्य कर्म होंगे, प्रॉपर एक्टिविटीज नॉट इन प्रॉपर, डिवाइन एक्टिविटीज नॉट अनडिवाइन एक्टिविटीज, उसमें हम अपने आप को लगा देंगे, लेकिन मन में चिंतन मन में विचार अपने इष्ट देव भगवान के होंगे। समझे मेरी देवियों, इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण, बल्कि सेल्फ डेडिकेशन, अपने आप को अर्पण कर देना भगवान को। घर में रहो, गली में रहो, मोहल्ले में रहो, लेकिन हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है, हमारे ट्रेंड ऑफ माइंड जैसे परिवर्तन आ गया है, आता जा रहा है, इसी को भक्ति कहती है। यही भक्ति है मेरी बेटियों। एक दो बार मेरे साथ शामिल, आहा ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे, जाहो जाहो बड़े प्रेम से, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, बड़े प्रेम से कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे, ओ मेरे प्रभु जी जाओ मेरे प्रभु जी आहा, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे,
कृपा अपनी दे नाली अज तार दे इष्ट देवा में दीदार दे हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।